इमरान खान के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मूड ही खराब कर दिया ना इमरान खान का नाम लेके। बाजी मैं उन्हें मूड नहीं लाना चाहता इमरान खान को। ओ मैं तो पछता रहा हूं क्यों कप जिताता सानू। उन्होंने इतनी महंगाई की है तो बस तक आप लोगों को नहीं पता। अन्य ने बिल आ रहे हैं, अन्य ने किराए आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको हदायत दे बहुत ज्यादा और हमारी महंगाई कम कर दे जरा। इमरान खान साहब कह रहे हैं किसी पार्टी के इदारे में आने से पहले तैयारी होनी चाहिए। तैयारी हो पेपर देना है। तैयार नहीं थे उन्होंने की क्रिकेट खेलने जाना। हाथ जोड़ दे आपके लिए लीव कर दे छोड़ के चले नवाज शरीफ को आने। आज हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे मशहूर पार्क ग्रेटर इकबाल पार्क में। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि हमारी तैयारी नहीं थी। इस फिक्र से आप समझ तो गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। जी हाँ, मेरा इशारा अपने प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ है, जिनका रिसेंटली बयान आया कि इक्तदार में आने से पहले उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं। लोग एक तरफ उनकी तरफ मुंतजर हैं, लोगों की निगाहें मुंतजर हैं कि कब नौकरियाँ मिलेगी, कब जॉब मिलेगी, लोग बेरोजगार हैं। और इमरान खान एक तरफ कह रहे हैं हमारी तैयारी नहीं थी इक्तदार में आने से पहले, और किसी भी पार्टी को इक्तदार में आने से पहले उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो इसी बारे में लोगों से बातचीत करेंगे, तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले आपने मेरा मूड ही खराब कर दिया ना इमरान खान का नाम लेके। क्या वो इतने बुरे हैं? उन्होंने इतनी महंगाई की है तो बस तक आप लोगों को नहीं पता। बाजार चले जाए को हमारे लीडर है, वो यूथ के साथ यूथ के लिए क्या किया। एक लैपटॉप मिलता था नवाज शरीफ से वो भी छीन लिया। आपने वोट कास्ट किया, आपका आईडी कार्ड बना? हमारे अभी तो आईडी कार्ड बने हमारे। नेक्स्ट चीज को वोट कास्ट करें। एक मिनट मेरी बात सुनिए, हम बाजार जाते हैं एक चीज 10 रुपए की होती है, वो से कहते हैं वो 50 रुपए की लगा के सेल करते हैं, हम कहते हैं इतनी महंगी। नया पाकिस्तान है, इमरान खान का दौर है, हर कोई ऐसे करके लूट रहा है। आपको नहीं पसंद है आपको नया पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं, नया पाकिस्तान बना के लूट रहे हैं। इमरान खान के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हदायत दे अल्लाह, अल्लाह ताला आपको हदायत दे बहुत ज्यादा और हमारी महंगाई कम कर दे जरा। हाथ जोड़ दे आपके लिए लीव कर दे छोड़ के चले नवाज शरीफ को आने दे। जी आपने देखा वो फुल का चुके हैं इमरान खान की गवर्नमेंट से। जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, पूछे इमरान खान के बारे में। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरमद। अच्छा सरमद, मुझे ये बताएं कि 2.5 साल होने को इमरान खान को और वो कहता है कि मेरी तैयारी थी इकदार में आने से पहले। इमरान खान साहब कह रहे हैं किसी पार्टी की इकदार में आने से पहले तैयारी होनी चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? तैयारी हो पेपर देना है। नहीं वो कह रहे हैं कि तैयारी होनी चाहिए मईशियत को कंट्रोल सही करने के लिए। उनके पास वुजरा जो थे उनके तैयार नहीं थे उन्होंने की क्रिकेट खेलने जाना। आप क्या थे कि यो, आप उनसे बिल्कुल नाराज हैं इमरान खान की कबीना से। बाजी मैं उन्हें मुंह नहीं लाना चाहता इमरान खान को। ओ मैं तो पछता रहा हूं क्यों कप जिताता सानू। अच्छा हरे चंगे सी मनो कप जिता दी मैं तो आया। मैं कहना वा योजा कप असी सिर च मारना वाम लुट के खा गया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਪੁੱਛੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬੇਟਾ, ਹਮ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਪਿਆ, ਹਮ ਤੋ ਕਹਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣੇ, ਲਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਸੂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਆਹੋ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਢੱਡ ਕੇ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਲਈ ਸੂ। ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਕ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟਾ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਲ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਾਧਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆਏਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕਤਦਾਰ ਮੈਂ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਆਪ ਇਸ ਪਰ ਕਿਆ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਪ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਮਗਰ ਉਨਕੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ
जब से पाकिस्तान बना है यही लोग हैं जो इक्तदार में आते हैं। यह टीम जो जिन लोगों ने कप्तान को मुंतखब किया है, सेलेक्ट किया है, और यही लोग हैं जो जब से पाकिस्तान बना है 1945 से यही टीम है जो पाकिस्तान को चलाते हैं। तो मेरा मकसद है कि ये उनका बहाना है कि मुझे मेरी तारी नहीं थी, उनके साथ बहुत तार टीम थी उनके पास। उनके आप कहना चाहते हैं कि उनके वज़रा जो है पहले भी वो वज़ारतों में रह चुके हैं, तो वो सारे है ही करप्ट? नहीं, वो मेरा ख्याल मैंने करप्ट तो पाकिस्तान जब से बना है ना करप्शन है, और करप्शन भी इन्हीं लोगों की वजह से है, और ये तसलसल जारी है, और ईजी करप्शन और ये जो बदमनी है, महंगाई है, आजकल इनका कप्तान इमरान खान बन गया है। ठीक हो गया, यानी कि इमरान खान उनका कप्तान बन गया। इमरान खान खुद ऊपर नेक बन रहा है और नीचे से उसकी वो जो कबीना है वो बेईमान है, और वो खुद नेक बन रहा है कि मैं नेक हूँ कबीना। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसे अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। बंदा अपने दोस्तों से, अब जो जिनके साथ उनका उठना बैठना होता है उनसे पहचाना जाता है, जो उनके इस साइड उस साइड जो लोग बैठे हैं, हम इमरान खान को वैसा ही समझते हैं जो उनके सफेल में बैठे हैं। यानी कि आपके ख्याल में इमरान खान भी वैसे ही है जैसे उनके वज़रा हैं। हमारे साथ और भी बहुत से खान साहब हैं, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सादत खान। सर इमरान खान, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी इंतजार में आने से पहले, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान, यानी सबको पता है कि इमरान खान एक जाना पहचाना शहस से 1992 से मैं वो जानता था, यानी वर्ल्ड कप 1992 से जो वो जीता था इंग्लैंड से, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी भी था, पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसने जो वादे किए थे कुंभ के साथ उसको पूरा करना है, बाकी जो उसका मिनिस्टर है यानी कैबिनेट है उसको टिक करना है, क्योंकि इमरान खान एक मजबूत आदमी है, पावरफुल मैन है, प्राइम मिनिस्टर है। यानी पहला दफा पाकिस्तान पर वो आया, लेकिन उसके पास इख्तियारात भी है, उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में अमन कायम करे। जी, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, हमसे भी बात करेंगे। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की कारकर्दगी से आप कितने फीसद मुतमिन अभी तक? सर, कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन नहीं है, सपोर्ट किया था हमने, लेकिन हम अब नून लीग को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हम जाते हैं तो हमें उनकी हुकूमत बेहतर नज़र आती है इनकी नस्बत। तो कोई भी सहूलत दी थी उन्होंने ही दी थी, इसने कोई सहूलत नहीं दी। अगर जो कोई सहूलतें मिली थी वो भी इसने उठा ली हैं आके, मसलन के मेट्रो में हम 20 रुपए में रेगुलर सफ़र करते थे, वर्कर थे, मजदूर थे, अब वो भी इसने 30 रुपए कर दिए हैं, कोई सहूलत नहीं दी, तो हम इसको लाइक किस तरह कर सकते हैं? अगर वो चोर थे, ठीक है, तो इसने पकड़ा था, काम इसका था चोरी निकालना, अब हमें खाली बातें सुना के तो चोर नहीं ना बनाना। नवाजी तो बाहर भी चले गए, लंदन भी चले गए, जहां मर्जी चले जाएं। अगर वो चोर था तो मौजूदा हुकूमत का काम था ना निकालना पैसे, सिर्फ बातें करके तो हमें वो चोर साबित नहीं ना। वोट आपने किसको दिया था? वोट हमने पीटीआई को दिया था, लेकिन मायूस है। वो जो 1 करोड़ नौकरियां उन्होंने दी, 50 लाख घर देने थे, वो कुछ भी नजर आया अभी तक? वो सर हमारे लिए पनाहगाह उसने बनवाई है, जो हमारे मौजूदा घर है ना, वो भी किसी ना किसी चक्कर में उसने खींच लेने हैं, ये पनाहगाह हमारे लिए बनाई हुई है, एंड हमारा इस पनाहगाह में रिहाइश देनी है उसने हमें। यानी कि आप ये जो कह रहे हैं जो शेल्टर उसने बनाया, पनाहगाह बनाया, उधर आपको रिहाइश देनी है? हाँ, बेघर जो करेगा लोगों को इतनी महंगाई करके, तो ये पनाहगाह में ही लोग आके रहेंगे ना। जी, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे पूछे क्या नाम है सर आपका? अच्छा फाइक, मुझे ये बताएं आप इमरान खान की अब तक की परफॉर्मेंस है, 2.5 साल की उनकी परफॉर्मेंस है, आप सेटिस्फाई हमसे? जी बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ मैं। किस लिहाज से सेटिस्फाई है? जॉब तो मिल नहीं रही, इधर कैमरे में देख। सेटिस्फाई इस लिहाज से आप ये देखें, अगर एक कोई प्लेट है ना, प्लेट उसको आप तोड़ देते हो, तो उसको अगर आप बनाना चाहो, उसको जोड़ना चाहो, तो उसमें मतलब ये है कि आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अब इसी तरह इमरान खान की हुकूमत अब आई है रिसेंटली, उसको जिस तरह मुल्क मिला है, जिस तरह हमारे मुल्क को खाया गया, जिस तरह नवाज शरीफ ने और ये जरदारी आए हैं, और अब ये देखें, ये हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट थे ये लोग, मतलब नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब अगेंस्ट थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। लेकिन अब खान आया है तो इन्होंने तकरीबन हमें ये देख लें, हमें 35-40 साल से इन्होंने बेवकूफ़ ही बनाया है ना, पहले इतने अगेंस्ट थे, अब ये PDM के नाम पर इकट्ठे। अच्छा फायक, मुझे ये बताएं, देखें उनके साथ जो जितने भी वज़रा हैं वो तो पुराने ही हैं, तो इमरान खान अकेले क्या कर सकते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं, वो कैसे तब्दीली ला सकते हैं, मुझे ये बताएं आप। टीम तो अब उसकी जारी बात है पुरानी ही होगी, अब हम नए लोग तो नहीं क्रिएट कर सकते ना उसकी। लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है भट्टों पर काम कर रहे हैं, मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो इसका जिम्मेदार क्या इमरान खान ही का
क्या वक्त का हुक्मरान है इमरान खान, वो नहीं है इसके जिम्मेदार? बिल्कुल, पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप उसको ये देखें, अभी वो स्टार्ट है उसका है। अब ये भी तो देखें उसने कितने कर्जे उतार रहा है वो, और कितने 2.5 साल हो गए। वो कहते थे मैं 90 दिन दे दो, 90 के बाद वो कहते हैं 6 महीने दे दो, 6 महीने के बाद साल दे दो, साल के बाद 2 साल, 3 साल। आप कौन सी आप स्टेटमेंट मुझे बताएं, इमरान खान ने कब कहा है 6 महीने दे दें और 90? जब वो इख्तदार में आए थे उन्होंने कहा था कि 90 दिन का मुझे टाइम, 90 दिन में हम हर चीज़ ठीक कर देंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जॉब्स देंगे और मतलब अच्छे घर वगैरह। 1 करोड़ नौकरी में से कितनी नौकरियां आप देख रहे हैं कि अभी तक मिल चुकी आप है? इंशाल्लाह देखें, अभी तो हुकूमत उसकी एंड नहीं हुई ना, आप उसकी देखें इंशाल्लाह, देखें क्या करता है इमरान खान। जी आपने सुनी भाई की बात, तो आप मानते हैं ना कि बंदा लॉयल है? ये देखें, ये तो आप पे डिपेंड, हम तो आपकी, हम तो आपकी राय, अदालत ने उसे ईमानदार डिक्लेयर किया है, ये तो अदालत ने डिक्लेयर किया, हम तो आपकी राय ले रहे हैं कि आपके बारे में आपका क्या ख्याल है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो ठीक है, आपने अपनी राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के साथ अपने होस्ट वहाब मिर्ज़ा को दीजिए इजाजत, अल्लाह नी के पान, पाकिस्तान जिंदाबाद।